हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीबीएमक्यू में जो भी बच्चे यूजी सेमेस्टर टू और पी सेमेस्टर टू में, उन सभी बच्चों के लिए देखिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप सभी बच्चे वीडियो को लास्ट से जो देखिएगा, इस वीडियो का देखने से आपने एग्जामिनेशन दे ही दिया होगा। कुछ एग्जाम आपके बाकी होंगे, शायद ईवीएस के एग्जाम बाकी है कुछ बच्चों का, तो उनका भी देखिए जल्द खत्म हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है आप सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर न्यू आया तो इसमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई अपडेट आएगा आप सभी बच्चों के लिए सबसे पहले पहुंच मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जिसमें 1000 प्लस बच्चे जुड़ चुके हैं, तो कोई भी अपडेट आएगा तो देखिए सबसे पहले वहां मिल जाएगा। और एक फेसबुक पेज है मेरा, जहां पर आप जुड़ सकते जुड़ जाइए, कोई भी नोटिस आता सबसे पहले आपको वहां भेज दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए बात हम लोग करने वाले हैं बीबीएमक्यू में यूजी सेमेस्टर टू, ठीक है, सिर्फ यूजी सेमेस्टर टू, पीजी सेमेस्टर टू की बात नहीं करने वाले, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो यूजी सेमेस्टर टू में बच्चों का मन में डाउट है कि उनका पासिंग मार्क्स क्या होगा। तो देखिए पहला तो आपका ऑनर्स पेपर है, फिर दूसरा है आपका जेनरिक पेपर है, एक आपका है एसीसी पेपर या सेफ पेपर बोल रहे, ठीक है। कुछ महान बच्चों ने तो एग्जामिनेशन ही छोड़ दिया, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि सर मेरा एग्जाम छूट गया है। अब क्यों छूटा ये उनका पर्सनल मजा है, इसमें मुझे इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एग्जाम के टाइम में क्या वजह, कुछ जरूर कुछ इमरजेंसी हो तभी उन्होंने एग्जाम छोड़ा। लेकिन देखिए जिन्होंने छोड़ दिया अब उनका क्या बोला जाए, अब उनको देखिए क्या करना पड़ेगा। जब नया सेशन यानी 2021 से 24 सेशन का जब छात्रों को यूजी सेमेस्टर टू एग्जामिनेशन हो, तब उनको देखिए उनको क्लियर करना होगा। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले अभी आपको बता दूं कि ऑनर्स पेपर अगर आपका देखिए यहाँ तीन तरह के मार्क्स बनते हैं, ठीक है, एक 80 नंबर का रहता है, एक 60 नंबर, ये प्रैक्टिकल वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये प्रैक्टिकल वाले बच्चों का 60 नंबर, ठीक है, और ये होता है हमारा थ्योरी बेस्ड होता है, जिनका सिर्फ थ्योरी रहता है, ये आर्ट्स के होते हैं, कॉमर्स के भी कुछ सब्जेक्ट का होता है। बाकी 20 नंबर देखिए आपको इंटरनल से मिल जाता है, और प्रैक्टिकल में भी आपको जिनका जो प्रैक्टिकल होता है उनको 20 नंबर मिल जाता है। तो देखिए सेफ स्कोर क्या होगा आप सही बच्चों के लिए, सेम इसी से जेनरिक पेपर में भी देखिए आपका मार्क्स आता है, किसी का 80 का भी रहता है, ठीक है, उसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेफ पेपर जहां तो मुझे याद है ये 40 नंबर का होता है, ठीक है, जहां तक मुझे याद है, क्लियर कर देता हूँ, परफेक्ट याद नहीं लेकिन शायद 40 नंबर का होता है। इसमें देखिए सेफ स्कोर क्या रहता है तो बता दूं कि देखिए अगर आप 40 प्लस लाते हैं, हर पेपर में 40 प्लस लाना ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए दो ही तो आपके पास ऑनर्स पेपर है, 40 प्लस भी नहीं लगी, देखिए 40 प्लस सेफ स्कोर क्यों, क्योंकि देखिए आपने 40 प्लस लिख के जरूर है, लेकिन बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी लगता है कि आपको कॉपी चेक करता है। सबसे बड़ी बात तो एक एक कॉपी चेक करने के लिए 15 से 20 रुपए मिलने वाले इस बार उनको, लेकिन आपको लगता है कि इतना महान यूनिवर्सिटी आपको कॉपी चेक करता है, तो अगर जिसको लगता है चेक करता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर देखिए जिन्होंने 40 प्लस लिख के आया है और सही लिख के आया, ये नहीं कि गाना वाना कुछ भी आपने लिख के आ गया, ऐसा नहीं है, लिखना पड़ेगा सही तभी आपको नंबर मिलेगा। जो टॉपिक है टॉपिक से रिलेटेड लिखेगा तभी आपको मार्क्स मिलता है, लेकिन हाँ अच्छे से लिखेगा तभी आपको मार्क्स मिलेगा। 40 प्लस लिखेगा सेफ स्कोर है, आप आराम से पास कर जाइएगा, ठीक है। 80 है इसमें भी आप मान के से 35 प्लस लेके आए, क्योंकि आपको यहाँ प्रैक्टिकल भी रहता है, बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ 40 में ये 22 प्लस रखिएगा, यहाँ पे 25 प्लस रखिए तो सेफ स्कोर है। क्योंकि देखिए ईवीएस में होता क्या है, मैं आपको बता दूं सेफ पेपर है कि बच्चे क्या करते हैं, आता है ऑब्जेक्टिव ईवीएस क्लास, बच्चे उन्होंने क्या किया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक दिन में पढ़ा, एक दिन की तरह क्वेश्चन याद होगा आपको, इतने इतने क्वेश्चन विद्यालय में 250 शायद या 200 क्वेश्चन दिए थे, उतना याद करना पॉसिबल नहीं था। तो क्या करते हैं एक दूसरे के देखा देखी करते हैं, जिसका खुद गलत है वो आप उसी का देखा देखी करते हैं, आपका भी गलत, आपको खुद भी कॉन्फिडेंस रहता ही रहता है। तो इसीलिए देखिए सिर्फ पेपर में बच्चों का जाता है फर्स्ट, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप ईवीएस का एग्जाम दिए याद रखिए जितना खुद से ट्राई करिए दूसरा का देख के नहीं करिए, ठीक है। तो इसमें 25 प्लस मान सकते हैं, इसमें 35 प्लस मार्क्स मान सकते हैं, इसमें 40 प्लस मार्क्स, ये सेफ स्कोर मैं बता दो, पास मार्क्स नहीं है। क्योंकि देखिए बीबीएमक्यू में ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको खुद का रियल बता देता हूँ कि मेरे सेमेस्टर 4 में, ठीक है, आप विश्वास नहीं करिएगा, कभी होगा तो मैं आपको अपना ये दिखा दूंगा मार्क्सिट। सेमेस्टर 4 में मेरे एक पेपर में सिर्फ 9 मार्क्स है, ठीक है। मेरे से पहले सेशन में एक मेरे से सीनियर थे, उनका आया था, ठीक है, सेमेस्टर 4 में बता दूं 3 ऑनर्स पेपर होते हैं, एक का आया था 16 नंबर, ठीक है, एक पेपर में, एक में 9 आया था उनका, एक में यहां तो मुझे याद है शायद 22 नंबर आया था। फिर भी ये जो हमारे सीनियर थे वो पास थे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। मेरा खुद एक पेपर में 9 नंबर आया था, ठीक है, मैं खुद पास हूं,
इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है, आपको क्लियर बता देता हूँ कि मेरे साथ 9 या शायद 13 नंबर, यहाँ तक क्लियर याद नहीं है, 9 या फिर 13 नंबर था, फिर भी मैं पास था। क्यों? बाकी में भी मैं तो चलिए ठीक है, बाकी में मेरा बाकी अदर पेपर में ज्यादा था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये 9 नंबर पूरे क्लास को मिला था, जहां हिस्सा मेरा ये था ऑनर्स पेपर में, 9 मार्क्स मिला था मुझे, ठीक है, पूरे जितने छात्र छात्राएं थे लगभग 85% का मार्क्स 65 प्लस था। पता नहीं मुझसे क्या दुश्मन थे, बीबीएम टू कह सकते हैं कि मुझे दिया गया 9 मार्क्स दिया गया, एक तो और लड़के थे उनको फेल कर दिया गया, ठीक है, उसका भी 9 या शायद 8 ही मार्क्स, उसका एक नंबर कमाया था और उसको फेल घोषित कर दिया, जबकि मैं बच गया, ठीक है, वरना मैं भी बीबीएम टू सड़ता रहता इसी तरह। तो एक का सिंगल का जो थे 16 आया था, 9 आया था, 22 आया था, लेकिन वो फिर भी पास हो गए, मुझे आज तक पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ ये नहीं पता, लेकिन ये हमारा मान यूनिवर्सिटी है। जबकि किसी बच्चे का आया था 25, एक में आया था शायद 33 आया था, और एक में शायद जहां तक याद नहीं है 29 आया था, ये बच्चा को क्या कर दिया गया, फेल कर दिया गया। तो ये हमारा महान यूनिवर्सिटी, इसके क्या ही कहने, जब बच्चे जाएंगे शिकायत चेक करने की कॉपी का आएगा आपका, स्कूटनी का फॉर्म आएगा, एक ऑनर्स पेपर चेक करने के लिए आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे, आप सोचिए आपको 2 ऑनर्स पेपर है 1000 रुपये, अरे 1000 रुपए चलिए आपने दिया तो दिया ठीक है, हम 1000 रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन कॉपी आपके सामने चेक नहीं करेगा, 2 महीना बाद 2.5 महीना बाद आपको कॉपी का आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, और रिजल्ट में पता क्या देगा आपको, फेल, ठीक है, जितना नंबर आया था ना एक नंबर नहीं पड़ेगा, ये मैंने खुद देखा है, मेरे एक फ्रेंड का था 2 बार 3 बार इससे कॉपी चेक कराया, हर सेमेस्टर से देखे बैक लगा था 2-3 सेमेस्टर में, तो उसका क्या मिल गया उनको, फेल का मिला। तो आप बताइए स्कूटनी करा के फायदा क्या मिलेगा आपको, कोई सोचते नहीं स्कूटनी कराइएगा, कोई फायदा नहीं, उससे अच्छा फिर से फॉर्म फिलअप करिएगा, फिर से दीजिएगा बेटर है, लेकिन कभी स्कूटनी का चक्कर में मत पड़िएगा, 500 रुपए आपको बर्बाद करने का शौक है तो कर सकते हैं, अदरवाइज एक पैसा का आपको फायदा होने वाला नहीं है। आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, मैंने आपसे बच्चों यू सेमेस्टर 2 में यू सेमेस्टर 1 में भी दे, उस दिन से मैं आपके साथ हूँ, आज यू सेमेस्टर 2 का आपके एग्जाम से खत्म नहीं हो गया होगा, तब भी आपके साथ खड़ा हूँ। तो देखिए मुझे बीबीएम क्यू का एक्सपीरियंस देते मैंने आपसे बच्चों को बता दिया कि स्कूटनी फॉर्म मत भरने चाहिए, बर्बाद होगा आप ही का पैसा, मेरा पैसा नहीं आपका मेहनत का पैसा, इससे अच्छा 650 रुपए दे दीजिएगा, इस बार तो फॉर्म फिलअप रेट देखिए बढ़ने वाला है, तो हो सकता है 800 रुपए लगा दिया जाए, उसमें कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन खुद से पढ़ के दीजिएगा वो ज्यादा बेटर है, स्कूटनी के चक्कर में एकदम मत रहिएगा, पासिंग मार्क्स कह सकते हैं 40+ सेफ स्कोर है, बाकी देखिए बीबीएम की रिजल्ट का कुछ भी नहीं, किसी बच्चे को कम भी किया वो पास हो जाएगा, तो कुछ तो कह रहे हैं। तो ये था देखिए पूरा पूरे मार्क्स के बारे में, आशा करता हूं कि मैंने आपको मार्क्स के बारे में जो भी आपके मन में देखे डाउट था वो क्लियर कर दिया। बाकी देखिए किसी बच्चे का अगर इंटरनल एग्जाम छूट गया मैं आपको बता दूं, कॉलेज जाइए, कॉलेज में किसी तरह करके बात करिए, अपना इंटरनल एग्जाम दे दीजिएगा, ठीक है, कॉलेज वाले मान जाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉलेज जाकर थोड़ा सा बात करिए, हो सकता है लेकिन कुछ कुछ कॉलेज हो जाता है, तो बात करिए इंटरनल एग्जाम उनका छूट गया है तो वो जगह बात करिएगा, तो उनका इंटरनल एग्जाम का मार्क्स मिल जाएगा, रिजल्ट आने से पहले ट्राई करिए, ये नहीं कि रिजल्ट आने के बाद ट्राई करिएगा, रिजल्ट आने से पहले इधर एग्जाम खत्म हुआ जिसका छूट गया है कॉलेज जाके बात करिएगा, ठीक है, किसी कारणवश हो सकता है छूट गया, पर्सनल मैटर होगा। तो ये ऑनर्स पेपर, ये जेनरिक पेपर, ये सेक पेपर, अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, अब आप सभी जो भी बच्चे हैं यू सेमेस्टर 2 में उनका डाउट क्लियर हो गया होगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया वीडियो को डिसलाइक कर दिए वो आपकी इच्छा, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो।